फार्मर मिनिमम वेबस लागू करने को लेकर शिक्षकों ने दर्ज करा विरोध। लखनऊ विश्वविद्यालय में विभागों के अध्यक्ष की वर्चुअल मीटिंग में शिक्षकों ने किया विरोध। शिक्षकों का कहना कुछ पाठ्यक्रमों के कॉमन मिनिमम सिलेबस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है, इसलिए इसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। शिक्षकों का कहना है पहली बात सरकार की तरफ से सिलेबस को अप्रूव करने के लिए विश्वविद्यालय को भेजा गया है, जिससे विश्वविद्यालय की ऑटोमेटिक पर पड़ेगा। पर सिलेबस को एक्सपर्ट फैकल्टी के नहीं बल्कि शिक्षकों ने सीमित ज्ञान के आधार पर बनाए जो स्वीकार नहीं है। खबर को रखते हैं ये जो कॉमन मिनिमम सिलेबस को लागू करने की बात की जा रही है उसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो कॉमन मिनिमम सिलेबस की जरूरत क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनकर के आई है वो कहती है कि पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, नए नए तरीके पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में चल रहे होने चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी के विपरीत तमाम यूनिवर्सिटीज में कोर्स जो चल रहा है उसको कॉमन करने की बात की जा रही है, समेटने की बात की जा रही है। तो ये अपनी ही उच्च जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ है। इसके अलावा अगर कॉमन सिलेबस करना है तो आपको पहले हाईस्कूल इंटर का करना होगा। वहां पे मुख्य रूप से तीन बोर्ड आपके उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, यूपी बोर्ड, आईएसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। क्या वहां पे कुछ ऐसा प्रयास सरकार ने किया कि ये तीनों लोग तीनों बोर्ड मिलकर के कोई एक कॉमन मिनिमम सिलेबस चला है? वहां तो कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो नीचे तो स्वतंत्रता है कि क्या सिलेबस चला है, लेकिन हायर एजुकेशन में जहां स्वतंत्रता होनी चाहिए वहां पे बाध्यता हो गई कि नहीं यही पढ़ाना है। तो इसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर निश्चित रूप से पड़ेगा, एक बात। इसके अलावा हमारा यह कहना है कि मान लीजिए कि कॉमन सिलेबस बन भी गया तो बनने के बाद अब कहा जा रहा है विश्वविद्यालयों से कि इसको आप अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास करके दे दीजिए इस तारीख तक। जहां जहां पर जिन जिन विभागों को ठीक लगा कि नहीं ठीक है उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, वहां पास हो गया। लेकिन कुछ विभागों में इसको लेकर आपत्ति थी कि नहीं ये जो है हम जो पहले पढ़ा रहे थे वो ज्यादा बेहतर था और इसमें बड़ी दिक्कतें हैं। तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, उन कमियों को जो रेस की जा रही है उनको निवारण किया जाना चाहिए, बजाय इसके जोर ये दिया जा रहा है कि इसको इस तारीख तक पास करके दीजिए। तो ये तो जबरदस्ती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एजुकेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह ठीक बात नहीं है। हमने लगातार उच्च शिक्षा में इस तरह के निर्णय जो बाहर से थोपे गए हैं उसको उससे उच्च शिक्षा में गिरावट देखी है। चाहे एमसीक्यू सिस्टम को लागू करना हो परीक्षा के लिए, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय में चार जिलों को जोड़ देना हो, पहले से 150 से ऊपर कॉलेज थे 500 और जोड़ दिए गए, नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि यह संख्या घटाई जानी चाहिए लेकिन उसके उलट जाकर के संख्या बढ़ा दी गई। तो अपनी ही एजुकेशन पॉलिसी का हम पालन नहीं कर रहे, तो इससे लंबे समय में हमें उच्च शिक्षा में की क्वालिटी में गिरावट दिखेगी और ये निश्चित ही दिखेगी। जब इस तरह के निर्णय बाहर से थोपे जाएंगे तो गिरावट होना निश्चित है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसके सरकार की मंशा है कि विश्वविद्यालयों में उसको लागू कर दिया जाए और उसमें मुख्य रूप से जो चंद बिंदु हैं उसमें रोजगार पूरक कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ लगातार जो छात्र छोड़ना चाहें और फिर बाद में ज्वाइन करना चाहें कोर्सेज को उसका भी प्रावधान किया गया है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में भी इसके ऊपर मंथन हो रहा है और एक आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार का जिसके तहत शीघ्रातिशीघ्र कोर्सेज का सिलेबस का रिवीजन करके मांगा गया है, जिसमें कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने 70% कोर्स कंटेंट को सारे कॉमन सारे विश्वविद्यालयों में लागू किया है। और मुझको इसमें यह कहना है कि अभी शायद बहुत जल्दी होगी अगर इस पर हम कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत जगह जो कोर्स बना है उसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स कंटेंट बना दिया गया है कुछ सब्जेक्ट में, शिक्षक उतने हैं नहीं, उसी के साथ साथ कहीं कहीं पे बहुत हाई लेवल का कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अर्ली बीए बीएससी के लेवल पे। तो इस प्रकार की भ्रांतियां जब तक दूर ना हो तब तक उसको लागू करना मेरी समझ से बहुत उचित नहीं है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो नई पॉलिसी है वो आने वाले दिनों में समग्र विकास के लिए देश के बहुत ज़रूरी है, परंतु यकायक उस पर निर्णय ले लेना
और इसमें एक इसके लिए एक प्राविधान है हमारे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत और हमारे इंस्टीट्यूट के तहत, जिसमें कि ये इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम है तो सिलेबस के लिए डिपार्टमेंटल लेवल पे बोर्ड ऑफ स्टडी, उसके बाद फैकल्टी बोर्ड, उसके बाद एकेडमिक काउंसिल और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो पास हो करके तभी ये कोर्सेज लागू किए जा सकते हैं। अभी क्या है कि सरकार आज जो विश्वविद्यालयों की स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई है उसमें एक मुझे लगता है कि गहरा संकट आ खड़ा हुआ है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता चुनौती के ऊपर एक बड़ी चुनौती सरकारों ने खड़ी कर दी है। पिछले 1.5 वर्षों से जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय आज केवल एक बिल्डिंग और एक विश्व सरकार के या सचिवालय के दिशा निर्देश पे चलने वाली संस्था बन जाएंगे, जबकि विश्वविद्यालयों की मूल परिकल्पना में उनका अध्ययन अध्यापन, स्वतंत्र अध्ययन अध्यापन उनका मूल चरित्र था। आप देखें कि आज राज्य सरकार यदि कहती है कि 70% का जो सिलेबस है वो सामूहिक रूप से सभी शिक्षक मिलकर तय करेंगे और उसके ऊपर मोहर लगाएगा शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी और बाबू मिलकर बैठे हुए हैं वो उसको फाइनल शेप देंगे और उसको सारे विश्वविद्यालयों को पढ़ाना होगा। 30% ही स्वतंत्रता विश्वविद्यालयों के पास रह गई। अब आप ये बताएं कि विश्वविद्यालय में शिक्षक को या शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता किस चीज़ की चाहिए? न वो अपने मन, अपने विषय को, अपने समयानुकूल अपने विषय को, अपनी रुचि के अनुकूल, अपने विश्व के जो आवश्यकताएं उनके अनुकूल वो पढ़ा सकता है, वो तो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन से पढ़ाएगा। तो ऐसी दशा में क्या विश्वविद्यालय स्वायत्त हो पाएगा? ये बहुत बड़ा मूल प्रश्न है विश्वविद्यालय के चरित्र के ऊपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो शिक्षक और जो प्रबुद्ध वर्ग विश्वविद्यालयों के ऊपर चिंतन करता है उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए राज्य सरकार के इस कदम पर, कि राज्य सरकार किसी भी, न केवल लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के जो 16 राज्य संचालित विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इस प्रकार का जो विक्टोरियन रूल लागू किया जा रहा है। एक तरफ तो वो नई शिक्षा नीति लगा रहे हैं जिसकी भरपूर तारीफ हो रही थी, दूसरी तरफ इस प्रकार का नियंत्रण उनके विश्वविद्यालयों के ऊपर थोपा जा रहा है, यह न्यायोचित नहीं है और विश्वविद्यालय के मूल चरित्र को खत्म करने की एक साजिश है।